दोस्तों अगर आपके भी मोबाइल की बैटरी यहाँ पे बहुत ही जल्दी उतर जाती है, अगर आप अपने फोन को 100% चार्ज करते हो फिर भी आपकी मोबाइल की बैटरी डायरेक्टली 80% पे आ जाती है, 60% पे आ जाती है, तो अगर आपको मैं बोलूं अपने मोबाइल में एक सीक्रेट कोड को डायल करो, उसके साथ ही साथ अपने मोबाइल में कुछ सेटिंग कीजिए, आई एम श्योर आपके भी मोबाइल की बैटरी का बैकअप इतना हद तक इंक्रीज हो जाएगा कि शायद आप मेरी बातों पर फिलहाल यकीन ना करो, आई एम श्योर आप भी इसे देखने के बाद आप भी मुझे खुद बोलोगे कि काश आपने ये सेटिंग्स और ये कोड के बारे में पहले बता दिया होता, जैसे कि हमें भी यहाँ पे अपने नया फोन को यहाँ पे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका जो पुराना फोन है वो यहाँ पे इतना हद तक बढ़ जाएगा आपका बैटरी का बैकअप कि आपको अपने फोन को बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, आपने सही सुना, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना है, जिससे कि आपको सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, प्लीज अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि आपके हर एक के वीडियो के लाइक से मैं भी बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता हूं। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हो टेक्निकल मास्टरमाइंड YouTube चैनल। तो बिना वक्त से वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ अपने मोबाइल में आपको कौन सी सेटिंग करनी है, कौन से कोड को डायल करना है। उससे पहले अगर आपने कमेंट नहीं करा तो आपको लिख देना है इंक्रीज बैटरी बैकअप करके और अपना स्पेस देकर अपना नाम लिख देना है, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि आप भी हमारा वीडियो देखते हो। जैसे इतना कर देते हो फिर मैं आपको बता दूं आपके मोबाइल में आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको लग रहा होगा कि ये छोटी सेटिंग है, मैं आपको बता दूं ये सेटिंग आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सेटिंग, फिर मैं आपको बैटरी का कोड बताता हूँ, फिर आपको एक और एक ट्रिक करनी होगी जिससे कि आपकी मोबाइल की बैटरी यहाँ पे स्टेबलाइज रहेगी। सपोज अगर आप अपने फोन को रात को रख देते हो और अगर आपके मोबाइल में 80% बैटरी होगी तो सुबह उठते हो आपने फोन को यूज नहीं करा देता है, तब भी 5 से 10 सेकंड यहाँ पे जो परसेंटेज होता है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, तो उसे भी आप कैसे बचा सकते हो वो भी मैंने बताया है। तो हर एक छोटी छोटी सेटिंग भी आपको अपने मोबाइल में करनी होगी। तो यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे पहले अपने मोबाइल में सेटिंग वाले ऑप्शन को ओपन करना होगा। जैसे उसे ओपन करते हो फिर आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो सभी का इंटरफेरेंस अलग अलग होगा। यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाओगे, फिर आपको यहां पे अगर आपका मॉडर्न फोन है जो कि नया फोन होगा तो आपके मोबाइल में यहां पे ये नाम से सेटिंग होगी। जैसे कि सपोज मैं आपको बता दूं, सपोज अगर आपके पास पुराना फोन है तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने बताया जो कि थर्ड ट्रिक में, तो उसे देखते रहिए। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहां पे स्क्रीन मोड होगा, यहां पे नेचुरल और विविड होगा, आपको बाय डिफॉल्ट यहां पे देख सकते हो विविड सिलेक्ट करना है। उसके साथ ही साथ जो कि दूसरी सेटिंग मैं आपको बता दूं, इससे क्या होगा जो आपके फोन में कलर्स हो गए वो ज्यादा यहाँ पे हाई क्वालिटी के नहीं रहेंगे, जो कि मीडियम क्वालिटी के रहेंगे और आपकी मोबाइल का जो ब्राइटनेस होगी वो यहाँ भी यहाँ पे कम यूज होगी। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन मिल जाता है। इससे क्या होगा, सपोज मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने बाई मिस्टेक अगर आपको आदत होगी अपने फोन में कोई भी मैसेज आता है उसे रिप्लाई करके ऐसे ही रख देते हो बिना फोन को बंद करे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सीडेंट में आपको 15 सेकंड सिलेक्ट करने होंगे, बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड हो गए, आपको 15 या फिर उससे भी कम आपके मोबाइल में ऑप्शन होगा तो उसे आपको सिलेक्ट कर देना है। ये छोटी सेटिंग है, मैं आपको बता दूं आप भी सोच सकते हो कितनी बार आप अपने फोन को ऑन करते हो उसके बाद कितनी बार आप बंद करते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप भूल जाते हो कभी फोन को बंद करना तो आपके मोबाइल की बैटरी का परसेंटेज 1 ड्रॉप होता है, 2 ड्रॉप होता है, वो छोटा छोटा करके बहुत ही जल्दी आपकी मोबाइल की बैटरी उतर जाती है। उसके साथ ही साथ आपको और एक सेटिंग करनी होगी, जो कि मैं आपको बता दूं डिस्प्ले के अंदर यहां पे देख सकते हो आपको ऑप्शन आ जाता है एक्सीडेंट टच यहां पे प्रोटेक्शन, इससे आपको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, सपोज अपने फोन का पॉकेट में रखते हो अपने पर्स में रखते हो तो मैं आपको बता दूं बाय चांस कभी कभी क्या होता है कि कोई फोन आता है तो बाय मिस्टेक यहां पे स्क्रीन ऑन हो जाती है और अगर आप फोन कट नहीं करते हो आंसर नहीं देते हो या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन कहां पे भी टच होती है तो बाय मिस्टेक वो ऑन हो जाती है, जिसके कारण आपका फोन हमेशा यहां पे ऑन रहता है और आपके फोन में कुछ भी दब जाता है। तो बड़ा आसानी से ये सेटिंग को ऑन कीजिए अपने मोबाइल फोन में, जो कि यहां पे आप देख सकते हो, उसे ऑन करोगे तो आपका फोन यहां पे सेफ रहेगा और आपकी मोबाइल की बैटरी जरा वेस्ट नहीं होगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कौन से कोड के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला था। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल में आपको फोन डायलर को ओपन करना होगा और एक सीक्रेट कोड को डायल करना है। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल का जो बैटरी का परसेंटेज होगा वो पहले से थोड़ा कम हो जाएगा, मगर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि सपोज आपके मोबाइल की जो बैटरी होगी वो जो यहाँ पे जो परसेंटेज बता रहा था वो यहाँ पे जो आपका ओरिजिनल परसेंटेज था पहले आपने नया फोन लिया था वैसा बिल्कुल आपका फोन यहाँ पे हो जाने वाला है। यहाँ पे आपको अपने फोन डायलर में डायल करना होगा *#0228
8 फिर आपको हैश डायल कर देना है। जैसे डायल करोगे जो कि यहाँ पे देख सकते हो, आपको फोन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे हैश आप डायल करते हो अपने फोन में यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है आपको, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे वो ऑप्शन आता है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। आपको एक वार्निंग आएगी कि आपका मोबाइल का जो बैटरी का परसेंटेज होगा पहले से कम हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए, तो आपके मोबाइल यहाँ पे 2 सेकंड के लिए बंद होगा, ऑन होगा, और आपके जो मोबाइल की बैटरी का परसेंटेज होगा थोड़ा कम हो जाएगा। इससे आपका मोबाइल यहाँ पे फ्रेश हो जाएगा और आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फुल चार्ज करोगे अपने फोन को तो आपका जो परसेंटेज पहले बहुत ही ज्यादा ड्रॉप होता था वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको जो थर्ड ट्रिक मैं आपको बताने वाला था, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इससे क्या होगा, सपोज मैं आपको बोलूं, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप रात को अपना फोन बंद कर देते हो, अगर आप सुबह देखते हो तो वहां पे आपको यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज बहुत ही ज्यादा ड्रॉप होता है। अगर रात को 80% था तो सुबह 70% हो जाता है, 65% हो जाता है। अगर आपको उसे स्टॉप करना है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हो सारे एप्लीकेशन को आपने परमिशन दी होती है जिसके कारण वो आपके मोबाइल की बैटरी यहाँ पे यूज करती है। मैं आपको बता दूं, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप कॉमेंट कर देते हो तो जैसे आपको लिंक मिल जाता है वहां पर आपको क्या करना है, उसे डाउनलोड करना है, फिर अपने मोबाइल में उसे ओपन करना होगा। जैसे ओपन करोगे इससे क्या होगा, सपोज आपके मोबाइल में जो भी आपने जो बैटरी को यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा उसे स्टेबलाइज कर देगी, इंप्रूव कर देगी। आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने ऑप्टिमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करा, आपके बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन होगी, जो भी रन हो रही होगी, वो यहाँ पे बंद कर देगा। बस आपको ये सारी चीजें कर देनी है, अपने मोबाइल को फुल चार्ज करना है, एक बार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। आई एम श्योर आपके भी मोबाइल का बैटरी का यहाँ पे बैकअप बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।